दोस्तों, अरुणिता कांजीलाल उत्तराखंड और पवनदीप राजन से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। दोस्तों, खबरों की माने तो उत्तराखंड जाने से पहले पवनदीप राजन ने अपनी फैमिली को फोन किया और उन्हें ये खुशखबरी दी कि अरुणिता मेरे साथ उत्तराखंड आ रही हैं। आपको बता दें कि जब ये खबर पवनदीप की फैमिली को पता चली तो पवनदीप राजन की फैमिली के सभी मेंबर्स, खासकर पवनदीप की दोनों बहनें और उनकी मम्मी, हद से ज्यादा खुश हो गई। पवनदीप ने अपनी दोनों बहनों और मम्मी से कहा कि आप हमेशा ये चाहते थे कि अरुणिता हमारे घर उत्तराखंड आए, तो मैं आपको बता दूं कि आप सबका यह सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि कल अरुणिता मेरे साथ घर आ रही है। इस खबर को सुनकर पवनदीप की माँ और बहनों ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया। क्या है वो प्लान, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले जल्दी से हमारे चैनल ट्रू बॉलीवुड को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि पवनदीप की माँ और बहनों ने मिलकर अरुणिता के लिए क्या बड़ा प्लान किया। दरअसल दोस्तों, जब पवनदीप की माँ इंडियन आइडल सीजन 12 के सेट पर गई थी, तब पवनदीप की माँ ने अरुणिता से कहा था कि तुम हमारे घर उत्तराखंड जरूर आना, और जब तुम उत्तराखंड आओगी तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें उत्तराखंड के पहाड़ी खाने की फेमस डिशेस जैसे आलू के गुटके और डुबक अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी। आपको बता दें कि पवनदीप की माँ ने अपना प्रॉमिस को पूरा करते हुए ये सभी डिशेस अरुणिता को खाने में दी, जिसमें अरुणिता को आलू के गुटके सबसे ज्यादा पसंद आए। दोस्तों, क्या आपने उत्तराखंडी पहाड़ी खाने की डिशेस आलू के गुटके खाए है या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और रियलिटी शो से जुड़ी हर एक लेटेस्ट खबर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें।